इन्वेस्टमेंट इट्स इंपॉर्टेंस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक डियर स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमेंड का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पहला हमने डिस्कस किया कंजम्पन और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज आर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स and addition to the inventory stocks okay capital goods includes building equipment and like this so karna inventory me afa karna so this is called investment okay what is the importance of investment investment जो है जैसे मैंने बताया कि पहला डिमांड का एग्रीकेट डिमांड का पहला कंपोनेंट कंजम्पशन और दूसरा हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की अगर आप इन्वेस्टमेंट को कंजम्पशन से कंपेयर करें तो टोटल एग्रीकेट डिमांड में कंजम्पशन का बहुत लार्ज शेयर होता है एज कंपेयर्ड टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली इसका शेयर कम है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है दो बातों की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये एज़ कंपेयर्ड टू कि ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती हैं हम समझ चुके हैं कि लोग कंजम्पशन को स्मूथ रखना चाहते हैं इनकम में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं लेकिन लोग कंजम्पशन को रेलेटिवली स्टेबल रखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएश आती हैं तो इकोनॉमी में जब कभी रिसेशन आता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट का शेयर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू कंजम्पशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्वेस्टमेंट का शेयर एग्रीगेट डिमांड में अगर वन सिक्स है लेकिन रिसेशन में इसका शेयर मोर देन फिफ्टी परसेंट हो जाता है तो इसलिए ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि आल दो इसका शेयर कम है लेकिन चूंकि ये वॉलीटाइल ज़्यादा है इसलिए इकानोमी में जब चेंजेस आती हैं तो उन चेंजेस में इन्वेस्टमेंट का शेयर बहुत अहम हो जाता है इसलिए एक इसकी ये इंपॉर्टेंस है तो बिज़नेस साइकिल को जब हम समझना चाहेंगे बिज़नेस साइकिल से मुराद आप समझते हैं कि इकानमी में फ़्लक्चुशन आती रहती हैं कभी रिसेशन है और कभी फिर बूम है और सो ऑन सो ये बिजनेस साइकिल को जब हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट फिर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है नंबर एक और सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये आपके लॉन्ग रन जो लाइफ है लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी डिटर्मन करती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कैपिटल फॉर्मेशन होती है कैपिटल स्टॉक में इजाफा होता है और उसके नतीजे में फिर आपके फ्यूचर में आपकी आउटपुट इंक्रीज़ करती है और वो आउटपुट फिर आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है तो आप शॉर्ट रन में अगर इकोनॉमी को समझना चाहते हैं उसके फ्लक्चुएशंस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लॉन्ग रन ग्रोथ को समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है तो एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट की साइज कम होने के बावजूद इसकी इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है और डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक तो इन्वेस्टमेंट भी कंजम्पशन की तरह से सेविंग की तरह से ये एक तरह से ट्रेड ऑफ है बिटवीन करंट एंड फ्यूचर ठीक है जैसे कंजम्पशन में हमने समझा था कि अगर हम आज कंजम्पशन कम करते हैं तो उसके नतीजे में हम फ्यूचर कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हैं तो ये ट्रेड ऑफ इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से ट्रेड ऑफ है कि फॉर्म्स के पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं ठीक है अगर आज वो इसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ट्रेड ऑफ कैसे हो गया इन्वेस्ट करने के नतीजे में क्या होगा कि आज अपने रिसोर्सेज को वो एलोकेट कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए तो आज वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकेंगे आज अपने रिसोर्स को प्रॉफिट को वो इन्जॉय नहीं कर सकेंगे वो उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके नतीजे में उनके फ्यूचर जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और फ्यूचर में उनकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो आज के डिविडेंड को वो फोरगो कर रहे हैं ताकि कल उन्हें पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो एक इस सेंस में इट इज़ ऑल्स ट्रेड ऑफ डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक से मुराद ये है कि जिस तरह कन्जम्पन में हमने पढ़ा कि कंजम्पशन का डिसीजन में कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अपनी लाइफ टाइम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी फॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए वो फिर फैसला करेंगे कि आज वो कितना इन्वेस्ट करें और कितना वो डिविडेंड दें अपने शेयर होल्डर्स को ओके okay. डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक क्या होगा इसका फैसला भी उसी तरह से होगा कॉस्ट बेनिफिट हम एनालिसिस करेंगे कि एक एडिशनल यूनिट कैपिटल स्टॉक का अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर कॉस्ट क्या आ रही है और उसका बेनिफिट क्या होगा तो जो सिंपल इकनॉमिक्स का रूल है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है तो वो हम काम नहीं करते और इसके अगर उलट सूरत हाल है बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो फिर हम वो यूनिट इंस्टॉल करेंगे बेनिफिट के हवाले से और कॉस्ट के हवाले से एक बेसिक डिफरेंस भी हमने समझना है कि आज आप कोई यूनिट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट तो आज आपको बियर करना पड़ेगी ठीक है उसके लिए जो भी रिसोर्सेज आपने एलोकेट करने हैं वो आज आपको करना पड़ेंगे लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में होगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम पीरियड उसमें लैग इन्वॉल्व होता है उसके बाद वो फिर कैपिटल की सूरत बनती है और फिर वो आपको प्रोडक्शन देती है तो बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा ठीक है और कॉस्ट जो है वो आपको अभी करना पड़ेगी फ्यूचर में भी उसकी कॉस्ट होगी कुछ उसका ये भी हो सकता है लेकिन बेनिफिट बहरहाल उसका फ्यूचर में मिलेगा तो उसके बेनिफिट से जो हमें बेनिफिट के साथ फिर हम ये कह रहे हैं कि माजम प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो हमें मिलेगी वो फ्यूचर की क्या मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होगी ओके पहले स्टेप में हम कॉस्ट को डिस्कस करते हैं कॉस्ट क्या है इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज एक कोई फर्म है वो कोई एक नया सोलर पावर्ड ओवन परचेज करना चाह रहे हैं उसकी प्राइस हंड्रेड डॉलर पर क्यूबिक फिट है ओके okay? उसकी कॉस्ट क्या होगी कॉस्ट दो तरह की होती है एक तो ये कि उसको परचेज करने के लिए जो रिसोर्सेस हमें चाहिए वो रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे दो उसकी अगेन पॉसिबिलिटीज हैं एक तो ये कि वो फॉर्म बारो करेगी बारो करेगी तो उन उस बारिंग अमाउंट पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट उसकी कास्ट हो जाएगी और इवन अगर वो बारो नहीं भी कर रही वो उसके अपने रिसोर्सेज हैं उसको वो यूटिलाइज कर रही है उसको परचेज करने के लिए तो भी आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट कि वो अगर उन रिसोर्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही वो अगर उसे उसका दूसरा यूज़ क्या हो सकता था कि वो उसे लैंड कर सकती थी और उस पर इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकती थी लेकिन चूँकि अब वो इसको कैपिटल की परचेज़ में यूज़ कर रही है तो वो उसे लैंड नहीं कर पाएगी तो इसे हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि वो जो इंटरेस्ट उससे अर्न कर सकती थी वो इंटरेस्ट उसको फोर करना पड़ रहा है तो दोनों सूरतों में उसके पास अपने रिसोर्सेज होंगे तो भी नहीं होंगे तो भी हम इसको कंसिडर करेंगे कि उसके इंटरेस्ट पेमेंट उस पर उसकी कॉस्ट पर उसे क्या बर्दाश्त करना पड़ेंगे तो पहला कंपोनेंट उसका है आर इज़ द इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट पी के इज़ द प्राइस ऑफ दैट कैपिटल यूनिट सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि उसकी हंड्रेड डॉलर प्राइस है और इंटरेस्ट रेट अगर एट परसेंट है तो एट परसेंट को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पर ईयर फॉर्म को उस यूनिट की खरीदारी पर बैंक को आठ डॉलर पे करना पड़ेंगे तो एक तो ये कॉस्ट है सेकंड कॉस्ट है उसकी वो है डेप्रिसिएशन के जो भी कैपिटल यूनिट होता है जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं यूज करते हैं प्रोडक्शन देता है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आउट हो जाता है ठीक है डेप्रिसिएट कर जाता है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और आसा आहिस्त कम होती चली जाती है और फिर आखिर में वो बिल्कुल स्क्रैप हो जाते हैं तो हर साल हम जब उसकी कॉस्ट फिर कैलकुलेट करेंगे तो हम इस बात को भी कंसिडर करेंगे कि उसमें डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है तो ये दो तरह की यूज़र कॉस्ट होगी इंटरेस्ट पेमेंट की सूरत में और डेप्रिसिएशन की सूरत में डी इज़ द डेप्रिसिएशन रेट आर इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड पी के इज़ द प्राइस ऑफ दैट कैपिटल यूनिट ये आपके पास टोटल यूजर कॉस्ट आ जाएगी सपोज अगर इंटरेस्ट रेट एट परसेंट है डेप्रिसिएशन रेट टेन परसेंट है तो इसका मतलब ये कि हंड्रेड डॉलर का जो एक यूनिट है उस पर एनुअली हमें एटीन परसेंट हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा इसके अलावा भी कॉस्ट हो सकती है मेंटेनेंस की कॉस्ट हो सकती है और चीज़ें लेकिन जस्ट टू तो कीप इट सिंपल हम उनको फॉर द टाइम बिंग हम इग्नोर कर रहे हैं सो so, ये सिंपल डायग्राम है कि ऑप्टीमल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक या डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक कैसे डिटर्मन होगा सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है कि जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट जहाँ पर बराबर हो जाएंगे तो वह वो आपका डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक आ जाएगा ये जो हॉरिजेंटल लाइन है यूज़र कॉस्ट ठीक है इसका स्लोप ज़ीरो है ये ये कॉन्सटेंट कॉन्सटेंट क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इज़ कॉन्स्टेंट डेप्रिसिएशन रेट इज़ कॉन्स्टेंट दैट्स वाई ये एटीन 18 पर ये एक स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप जीरो चेंज नहीं हो रही औरटल एक्सेस पर हम कैपिटल स्टॉक ले रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पर हम उसकी यूजर कास्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ले रहे हैं तो यूज़र कॉस्ट जो है ये कैपिटल स्टॉक वो अगर एक यूनिट लगाता है दो यूनिट लगाता है जितने भी यूनिट लगाता है ठीक है तो उसकी इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंट रहता है और डेप्रिसिएशन रेट कॉन्सटेंट रहता है तो उसके यूजर कॉस्ट रिमेंस कॉन्स्टेंट डेट्स वाई वी हैव दिस हॉरिजेंटल लाइन बट मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो फ्यूचर है वो एक नेगेटिवली स्लोप लाइन है नेगेटिवली स्लोप आप जानते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से कि जब भी एडिशनल आप लेबर को कॉन्स्टेंट के कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो उसकी एडिशनल यूनिट की जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी और इससे पहले हम इसको इस तरह से डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल को फिक्स रख के जब हम लेबर को इंक्रीज करते थे तो हर एडिशनल यूनिट ऑफ वर्कर जो था उसकी प्रोडक्ट कम हो जाती थी तो माध्यम प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है फ्यूचर में इट इज डिमिनिशिंग बट यूजर कॉस्ट इज इसटेंट तो जहाँ पर ए पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये डिटर्मन कर रहा है डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक इसको समझने के लिए सपोज लेट्स टेक दिस फोर कि अगर वो फॉम फोर यूनिट्स इसके इंस्टॉल इन, करती फोर यूनिट्स पर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज़ ट्वेंटी यूज़र कॉस्ट इज़ एटीन बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो इसका मतलब ये है कि फोर यूनिट उसको टोटल प्रॉफिट में इजाफे का सबब बन रहा है सो so, उसके ये यूनिट इंस्टॉल करना चाहिए ठीक है और अगर आप सिक्स यूनिट को डिस्कस करें समझें सिक्स यूनिट पर क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो फर्म को सिक्स यूनिट नहीं लगाना चाहिए तो कहां पर स्टॉप करेगी फिफ्थ पर जहां पर मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन बेनिफिट आर बोथ इक्वल सो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इज द लेवल वेयर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द यूजर कॉस्ट ओके एंड मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमने डिस्कस किया ड्यू टू द लॉफ डिमिनिशिंग रिटर्न इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड एंड यूजर कॉस्ट Uh, according to our assumption, K interest rate is constant and the depreciation rate is constant. So user cost is the horizontal line. So if margin product of capital is greater than user cost, so this will increase the profit and K will be added. Additional unit of capital will be installed and vice versa. If it is less, then it will not be recommended. Or per पॉइंट क्या आ गया कि जहाँ पर दोनों बराबर होंगे डेट विल डिटर्मन द डिसाइड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक और इससे मुराद क्या है कि ये वो कैपिटल स्टॉक का लेवल है जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है थैंक यू वेरी